एवरीवन, तो भाई लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने सामने है इनोवा क्रिस्टा। बेसिकली भाई इनोवा क्रिस्टा की जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी वो उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट था। काफी सारे कमेंट आ रहे थे उस वीडियो पे, लोग कह रहे थे भाई ये गाड़ी खराब है, इसका लुक बहुत खराब है और सफारी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं इस गाड़ी को आज दोबारा लेके आया हूँ। ये इसका मैनुअल वेरियंट है। आज इसके बारे में बात करेंगे, इसके लुक्स के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में, और सफारी से मुझे क्यों अच्छी लगी मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। आई नो सफारी इंडियन ब्रांड है और काफी अच्छी गाड़ी है सफारी भी, बट अगर देखा जाए तो यार इनोवा क्रिस्टा मच बेटर मुझे लगी है। 7 सीटर है, स्पेस वगैरह काफी अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। ये इसके आज हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं। ये इसका 2.4V, 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, सिल्वर कलर में गाड़ी मिल जाती है। और इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो 25.50 लाख के आसपास की इसकी प्राइसिंग है और बहुत क्लासिक गाड़ी लग रही है। अभी इन सबके बारे में बात करेंगे। यह इसका मैनुअल वेरियंट। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल कर देना सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। हाँ जी भाई लोग, सबसे पहले की के बारे में बात करें तो भाई हमें एक लॉक अनलॉक की 2 बटन इसके अंदर दे दी गई हैं और ऐसी कुछ काफ़ी प्यारी सी की लग रही है। जैसे आपने देखा होगा बेसिकली बलेनो जेटा में भी ऐसी की आती है 2 बटन के साथ। अब बात कर लेते हैं इनोवा क्रिस्टा के फ्रंट लुक की। हाँ भाई लोग, फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सामने की साइड हमें मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर्स, नीचे की साइड हमें मिल जाती है हैलोजन फॉग लैंप्स, बगल में मिल जाता है हमें इंडिकेटर। बीच में अगर देखें तो भाई नीचे की साइड हमें कोई भी क्रोम नहीं मिलती है, सेंटर में मिल जाता है लोगो, वो भी क्रोम फिनिश में। तो सामने से कुछ ऐसा सा लुक है। आई नो मैंने काफी लोगों ने मेरे से बोला था कि भाई इसका लुक सामने से काफी अच्छा नहीं, बट सफारी का लुक अच्छा है। लुक वाइज अगर देखो तो मैं इसे 10 out of 7 marks दूंगा। लुक में अगर थोड़ी मुझे भी कोई खासा अच्छी लगी, सफारी का लुक अच्छा है, बट फीचर्स देखा जाए, स्पेस देखा जाए और बाकी सारी चीजें देखा जाए उसमें ये A-class है। बात कर लेते हैं इसके अलॉय व्हील की। तो आप एक बार अलॉय व्हील पर नजर जाए तो इसके हमें 16 inches के अलॉय व्हील दे दिए गए हैं और ये इसमें हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में। आप एक बार इसका पूरा साइड से लुक देख सकते हैं। चलते हैं इसके ORVM पे भाई। हाँ भाई लोग, इसके ORVM की बात करें तो बॉडी कलर ORVM हमें मिलते हैं, बगल में हमें मिल जाता है इसके टर्न इंडिकेटर्स। अब हैंडल्स की बात करें तो भाई क्रोम फिनिश में हमें इसके हैंडल्स मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ है इसका पूरा साइड से लुक, आप एक बार इसका पूरा लुक देख सकते हैं। अब हम बात कर लें ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड हमें मिल जाती है रूफ रेल्स और मिल जाता हमें शार्क फिन एंटीना। ऊपर कोई भी इसमें सनरूफ वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलते हैं इसके पीछे वाले पोर्शन में। पीछे वाले पोर्शन की बात करें तो भाई हमें हेलोजन टेल लैंप्स मिल जाती हैं, मिल जाते हैं नीचे साइड इंडिकेटर। इनोवा क्रिस्टा मिल जाता है क्रोम फिनिश में। पीछे चले तो बीच में मिल जाता है हमें लोगो और ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो भाई ऊपर की साइड हमें मिल जाता है रेयर वाइपर एंड डिफॉगर दोनों इंस्टॉल दिए गए हैं पीछे कंपनी की साइड से। नीचे की साइड अगर हम बात कर लें तो भाई हमें पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर दे दिए गए हैं और भाई 2.4V ये वेरियंट लिखा हुआ है। तो ये पीछे से कुछ ऐसा लुक है भाई, अगर आप देखो ना तो गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा सही है। हाँ भाई बेसिकली इसका 7 सीटर वेरिएंट है, इसमें 8 सीटर का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। एक पॉइंट पर अगर देखा जाए तो 2400 cc का काफी पावरफुल इंजन हमें इसके अंदर मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, तो भाई इसको करते हैं अनलॉक। कीलेस एंट्री मिलती है तो अनलॉक की कोई खासा जरूरत है नहीं, आपको नॉर्मली वैसे बटन पुश करनी है, आप गाड़ी के अंदर एंटर ले लोगे। तो भाई ये थोड़ी सी आवाज कर रही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसके डोर की, तो भाई डोर में आप देख लोगे तो यहाँ मिल जाता है हमें ग्लॉसी ब्लैक में, इधर में मिल जाता है आप देखो तो क्रोम में मिल जाते हैं। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे में सारे पावर विंडोज के कंट्रोल दे दिए गए हैं, मिल जाते हैं हमें सारे ORVMs के कंट्रोल। तो ये भाई ब्लैक और जो सिल्वर का कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा सही लग रहा है। नीचे की साइड देखें तो हमें बोतल होल्डर मिल जाते हैं और इधर की साइड में मिल जाता है स्पीकर। सीट्स की बात कर लें तो आप सीट्स को भी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, तो ये 3 ऑप्शन इसके अंदर में मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर बाकी सारी चीजों की हम बात कर लेते हैं, कैसा कैसा पूरा सीन दिया गया है। डोर पे हमें मिल जाता है ट्विटर। भाई अगर गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं तो भाई देखो आराम से, अगर देखो ये मेरी आंखों का व्यू है तो इतना सही व्यू आ रहा है, सामने से आपको पूरा बोनट दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो अपनी आंखों के सामने। और अगर बात कर ले तो भाई देखो स्टीयरिंग काफी प्यारी दी है, रैप इस पे मिल जाती है हमें, लुक बहुत अच्छा है स्टीयरिंग का। इधर मिल जाते हैं हमें स्टीरियो के कंट्रोल और इधर हमें मिल जाते हैं इसके अगर आप देखें तो MID के कंट्रोल्स। अब मैं एक बार आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ, पुश स्टार्ट स्टॉप हमें इसके अंदर मिल जाता है, फिर इसकी MID दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। देखो भाई ये इनोवा आ गया स्क्रीन पे लिखा हुआ और ये ऑन करो भाई, ऐसी कुछ है इसकी MID। तो MID मेरे से किसी ने बोला था भाई सेंट्रो के टॉप मॉडल में इससे अच्छी MID में मिल जाती है, बट अगर मैं बताऊं तो मेरे को इसकी MID काफी अच्छी लगी, थोड़ा स्पोर्टी सा लुक आपको अगर दिख रहा हो तो भाई थोड़ा गाने का चल रहे भाई।
हाँ जी, तो गाने बंद हो गए। तो भाई अगर देखा तो भाई मेरे को काफी स्पोर्टी सा लुक लगा जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ये इसकी पूरी स्टेयरिंग की बात कर ली, ये हमने बात कर ली इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की और सारी डिटेल हमें इसके अंदर दिख जाती है। बेसिकली ऐसा इसके बलेनो जेटा में भी आता, बलेनो जेटा मैंने वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा उसकी भी, तो ऐसी उसके अंदर हमें बीच में डिस्प्ले मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं भाई इसके एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले पे। तो भाई ऐसा कुछ इसकी पूरी डिस्प्ले हमें मिल जाती है, इसे आप इसे यहीं से आराम से यूज कर सकते हो, यूज करने में कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। काफी हैंडी सा है, काफी प्यारा सी छोटी सी स्क्रीन हमें इसके अंदर मिल जाती है। काफी ये बड़ा दे दिया बट स्क्रीन इसकी इतनी बड़ी है बस। तो भाई ये नीचे की साइड चले तो यहाँ मिल जाते हैं हमें एसी के कंट्रोल। भाई देखो ये छोटी सी इसकी डिस्प्ले दिख जाती है, यहाँ से आप इसको एसी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है और ये आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो ये हमें एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। और नीचे चल रहे हैं तो भाई यहाँ मिल जाता है हमें इको मोड, यहाँ मिल जाता है PWR मोड, तो और ये सब इसके अंदर दे दिया गया। नीचे चले तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, 5 मैनुअल गियर मिल जाते हैं। गियर थोड़े से अच्छे नहीं लगे मुझे यार, थोड़ा क्रोम व्रोम में देते, थोड़ा लुक बढ़ाते। 25-25.5 लाख दे रहे हैं गाड़ी में, तो ये तो इंसान चाहेगा ही। और पीछे चले तो यहाँ एक मिल जाता है कप होल्डर, इस साइड में मिल जाती है मैनुअल हैंड ब्रेक। और पीछे की साइड चले तो भाई यहाँ में मिल जाता है आर्म रेस्ट। तो ये तो भाई सब हो गया ड्राइवर साइड से। और अगर बात कर लूं उसके ऊपर वाले पोर्शन की तो भाई यहाँ में मिल जाता है सन वाइजर, उस पर मिल जाती है लाइट एंड मिरर। ऊपर की साइड बात कर लें तो भाई ये मिल जाते हैं लाइट का ऑप्शन, यहाँ सारे में मिल जाते हैं। जैसे ये इसे आप प्रेस करोगे तो गेट खुलते ही लाइट जल जाएगी इसकी, तो ये सब इसके लाइट के ऑप्शन नहीं है। ऊपर की साइड देखो तो हमें मिल जाता है सनग्लास होल्डर। इधर चले तो इधर वाले सनवाइजर की बात करें तो इधर भी हमें मिरर मिल जाता है, ऊपर की साइड हमें मिल जाता है लाइट। तो ये सब हो गया भाई ड्राइवर साइड से। चलते हैं इसकी पैसेंजर साइड, वहां देखते हैं, इसे कर देता हूं बंद। अब पैसेंजर साइड देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या सीन है। बट अगर देखा जाए तो भाई सफारी से इधर क्या दिक्कत है इस गाड़ी में, 7 सीटर है, काफी अच्छी स्पेस है, काफी प्यारी गाड़ी है ये। हाँ थोड़ा लुक वाइज बोलूंगा सफारी से कम अच्छी है, बट बाकी चीजों की अगर बात करें तो उन सब में बहुत सही है। अगर नीचे अब इसमें बात कर ले तो इधर में मिल जाता है, आप देखो इधर एक बोतल वोटल आप रख सकते हो। नीचे की साइड में मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी इधर की बात कर ले तो इधर में मिल जाता है सिल्वर में, यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ऊपर की साइड में यहाँ मिल जाते हैं इसके एयरबैग, ये कोई भी सिर्फ हमें प्लास्टिक वाला पोर्शन दिया, लेदर का कुछ भी नहीं दिया गया है। इधर की साइड हमें मिल जाते हैं ट्विटर, इधर मिल जाते हैं हमें सारे एसीज। तो ऐसा कुछ है इसका लुक। स्पेस वाइज की अगर बात करूं तो स्पेस भी भाई काफी अच्छी स्पेस दी गई है हमें इसके अंदर। अब चलते हैं भाई लोग इसके पीछे वाले पोर्शन पे, देखते हैं भाई पीछे वाला पोर्शन कैसा है। मतलब इसके सेकंड रो की बात करें, बेसिकली 3 रो आती हैं जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया अभी, तो बात कर लेते हैं उसकी सेकंड रो की। तो सेकंड रो में बात करें तो भाई ये सब नॉर्मल मिल जाता है फर्स्ट रो के को पैसेंजर की साइड से। और अगर सीट्स वगैरह की बात करें तो भाई सीट्स वगैरह में इधर कोई भी एडजस्टमेंट मिल जाता है ये पीछे जाने के लिए, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी अगर बात कर लें तो भाई यहाँ मैं बैठ गया हूँ, सीट वो वाली काफी पीछे थी इसलिए थोड़ी स्पेस वगैरह दिख रही होगी। और इधर बात कर लें तो आप आराम से थोड़ा सा नीचे है। आर्मरेस्ट की अगर बात करूं तो भाई यही आर्मरेस्ट मुझे प्रॉब्लम इसमें लगी हुई है कि भाई आर्मरेस्ट का क्या सीन है। मतलब यार थोड़ा सा आर्मरेस्ट सही सा दे दो यार, पतला सा ऐसे गिर जाता है हाथ, ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज। अच्छा पॉइंट नहीं लगा। ऊपर की बात करूं तो भाई ये हमें क्रोम फिनिश में पूरी मिल जाती है, ये हमें लाइट मिल जाती है, ये काफी प्यारा लग रहा है। ये हमें मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हो, ये हमें एसी कंट्रोल दे दिए गए हैं, तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा लग्जरी सा फील होता है कि पीछे हवा आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी तो आगे वाले एसी से काम नहीं चलता है, तो यहाँ एसी होना जरूरी है। और ये बिल्कुल फेस पर हवा देते हैं तो ये मुझे काफी अच्छे लगे हैं। बाकी अगर बात करूं तो इधर हमें मिल जाती है लाइट जैसे कि आप देख सकते हो उसमें। और भाई पीछे वाले पोर्शन की अब हम बात कर लेते हैं, जो मेरे को सफारी से बेटर लगा है वो क्यों है। एक बार मैं इसे गाड़ी को करता हूं अनलॉक, चलते हैं पीछे वाले पोर्शन में। और एक चीज और बताऊं तो यहां में डोर पे भी लाइट दे दी गई है। अब भाई क्या करना है, इसको करना है अनलॉक, ये हो गया भाई, ये बस यहां से अनलॉक हो जाएगा। अब चलते हैं भाई पीछे वाले पोर्शन में, देखते हैं कैसा कैसा सीन दिया गया भाई। ये चीज मैं बता रहा था आपको, स्पेस देखो आप पीछे वाले पोर्शन में, आपको काफी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है इसके अंदर, तो आप आराम से बैठ सकते हो भाई। काफी लंबी गाड़ी है अगर देखा जाए तो, भाई लोग काफी लंबी गाड़ी है, 4735 mm इसकी लेंथ है, तो आप आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से इसके अंदर बैठ सकते हो भाई। ऐसा कुछ उसका लुक आएगा पीछे से, कितना प्यारा लग रहा है। आप स्टेयरिंग व्हील का आप एक बार देखो, मैं बोल रहा था कितनी अच्छी स्टेयरिंग व्हील लग रही है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक भाई मेरे से बोल रहे थे भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा नहीं है इसका, पर मैं कहूंगा भाई आप खुद देखो एक बार कितना सही लग रहा है। अब चलते हैं भाई इसके बूट स्पेस में, फिर बात करेंगे इसकी इंजन की ताकत की। इसे कर देता हूं मैं बंद। तो भाई हाँ, तो भाई लोग बूट स्पेस की अगर हम बात कर लें तो भाई 300 लीटर की ह्यूज बूट स्पेस के अंदर मिल जाती है। मिल जाते हैं हमें इसके अंदर हाइड्रोलिक्स,
तो ये भाई काफी ज्यादा बूट स्पेस है, आराम से आप कितना भी सामान इसमें रख सकते हो। इसकी सीट्स को फोल्ड कर लोगे तो ऑब्वियसली आप सीट जब अनफोल्ड होंगी तो स्पेस कम हो जाएगी, बट अगर आप चार लोग जा रहे हो और सामान काफी ज्यादा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसे आराम से रख सकते हो। और अगर फ्यूल टैंक की बात कर लें तो भाई 55 लीटर का हमें इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी की ताकत की और चलते हैं इसके इंजन की साइड। भाई 2400 सीसी का डीजल इंजन हमें इसके अंदर मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट कितनी करता है वो मैं बताऊंगा। इसे बस आपको बटन प्रेस करके इसे खोलना। और ये वाला जो सीन मैं आपसे कह रहा था, जैसे मैं एक चीज और दिखाता हूँ जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो ये बंद हो गया। अब जब भी मैं इसे अनलॉक करूंगा, मतलब इसे पुश स्टार्ट स्टॉप से अनलॉक करूंगा ना, तो ये अपने आप खुल जाते हैं। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी काफी, ये देख रहे हो बार बार जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये काफी अच्छा लगा। अब भाई इसके इंजन को कर देते हैं अनलॉक, तो ये यहां से खुल गया भाई। देखते हैं भाई इसके इंजन की ओर, भाई साहब काफी पावरफुल इंजन मिल जाता है। मैक्सिमम जो पावर जनरेट करता है वो करता है 148 BHP की, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो करता है 343 Nm का। ये बॉडी टाइप आपको मालूम है MUV में कंसीडर की जाती है अ प्रॉपर 7 सीटर, और माइलेज की बात करो तो भाई 14 KMPL का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। गाड़ी भाई किसने कहा बिल्ड क्वालिटी नहीं है, देखना कितना भारी है इसे देखो भाई, किसने कहा बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं है इस गाड़ी की। तो भाई ये है इनोवा क्रिस्टा का 2.4V वेरियंट, 2.5 साल 3 साल के आसपास वेरिएंट को हो चुके हैं। और अब अगर बात कर लो तो भाई अगर मैं कंपैरिजन बताऊं ना इसे सफारी से, तो भाई ये गाड़ी देख लो आप कितनी लंबी है। मैं सफारी ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ी छोटी पड़ जाती है, उसका लास्ट वाला सेक्शन जो है वो कम पड़ता है, तो भाई क्या जरूरत है। मैं तो कहूंगा इनोवा क्रिस्टा अच्छी है। तो भाई ये हो गया मेरा एक जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई टाटा सफारी अच्छी है, इनोवा क्रिस्टा अच्छी है, तो मैं एक बार पूरा इसका दोबारा से डिटेल रिव्यू लेकर आ गया हूं। बेसिकली मैं कोई खासा रिव्यूअर नहीं हूं, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाड़ी को लेकर वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। बस भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।